वालों ने बेचारों ने पैसे लगा के इतनी कुर्सियां लगवाई और टेंट लगवाया और बारिश ने सारों पर पैसे पे पानी फेर दिया। गाइस यू कैन सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मेरे कॉलेज, और मेरे कॉलेज में है टैलेंट शो जिसमें मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ कॉलेज में। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आज का हमारा टैलेंट शो है और देखो गाइस बारिश आ रही है और मैं छत पे जा रही हूँ, तो देखो मुझे पफ कैसे फॉलो कर रहा है। क्या है, चढ़ा ऊपर आजा। अब हम देखेंगे बारिश, आप देख सकते हो सारी जगह हो रही है बारिश ही बारिश। और बारिश के रुकने के बाद हम निकल लेते हैं कॉलेज के लिए। मैं इन्हें कब से बोल रही हूँ, कब से इनका वेट कर रही हूँ, और बहुत मुश्किलों से ये घर से बाहर निकले हैं जाने के लिए। हम कॉलेज पहुँचते और वहाँ जाकर देखते हैं ये गाइस। आप गाइस आप देख ही सकते हैं, कॉलेज वालों ने बेचारों ने पैसे लगा के इतनी कुर्सियां लगवाई और टेंट लगवाया और बारिश ने सारों पर पैसे पे पानी फेर दिया। गाइस यू कैन सी मैडम। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स सब ऑलरेडी हो चुके हैं। हाय, हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट। फ्रेंड और मेरी बहन हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में अभी मैं इनको देखूंगी इनका नाम। वंदना पहले, तो मुझे नृत्य करना है क्लासिकल डांस। और मेरा है हरियाणवी डांस, और हमें पंजाबी है, दोनों एक्टिंग वाले हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। और फिर इसके बाद जब मैं नीचे जाके देखती हूँ तो बारिश रुक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं वहाँ जाके अच्छे से देखती हूँ तो बारिश फिर से शुरू हो जाती है और सारे बच्चे रूम्स की तरफ भागते हैं और अपने आप को बारिश से बचाते हुए भागते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो बारिश में बैठ के ही एंजॉय करते और वेट करते हैं कब कोई नृत्य करे। और उसके बाद मुझे मेरा मेकअप में थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैंने सोचा ब्लश लगवा लिया जाए अपनी बहन से। और उसके बाद A few moments later. ब्लश लग गए लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। इतने में मैं और प्रियंका दोनों रेडी हो जाते हैं। रेडी हो चुके हैं, हमें रेडी करने वाली है मेरी सिस्टर जिसने हमें रेडी किया है। कुछ नहीं किया मैंने, इनके वैसे थोड़ा सा कर दिया बस। और फिर उसके बाद मैं सरस्वती वंदना के लिए पहुंच जाती हूँ स्टेज पर। मुझे करना होता है नृत्य यानी कि सरस्वती वंदना। तो पहला तो मेरा ये डांस था, बट ये मेरे डांस में नहीं आया क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से था सरस्वती वंदना जिसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद मैं अपना आउटफिट चेंज करके आती हूँ। तो ये है मेरे जो जिसमें मैं डांस करूँगी, ये है मेरा आउटफिट। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। एंड सिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो मेरे सिस्टर्स हैं वो भी आराम से बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं उनको जूम करके दिखाती हूँ वेट। इसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स से। वही क्या नाम है तेरा? दीदी तो शक्ल छुपा रहे हैं। एक क्या नाम है तेरा? मनप्रीत कौर। क्या नाम है गाइस आपका? मिस कोमल। आपका नाम क्या है? यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। और मैं और प्रियंका दोनों रेडी होकर मस्त अपने तैयार होकर बैठे हुए हैं और जो सिंगिंग जो गा रहा है उसको हम रूम में बैठे बैठे सुन रहे हैं। सिंगिंग के बहुत से बच्चे हैं, उन्होंने सिंगिंग करी और वो चले गए। उसके बाद बारी आती है नृत्य की, जी हाँ डांस की। बच्चे भी डांस कर रहे हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो भी डांस कर रहे हैं और स्टाफ मेंबर तो देख ही रहे हैं। इसमें आपको एक पर्सन को दिखाते हुए, देखो गाइस कितना मस्त अपना चिल कर रहा है यार। ऐसे ऐसे बच्चे आ रखे थे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अंशु चौधरी का डांस होता है जिसको मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसकी बहुत सी दो तीन एक्टिविटीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया है। और मैं और प्रियंका बाहर चल रहे थे डीजे और हम जाके ऑफिस में बैठकर मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे। सब थोड़ी देर बाद हमारा जो डांस की बारी है वो वेट कर रहे हैं, हम थक गए हैं तो हम बैठे हुए हैं और मैं टेबल पे बैठी हुई हूँ, प्रियंका चेयर पे बैठी हुई है। मज़ा आ रहा है।
और फिर बाहर जाके देखते हैं, फिर धूमधाम से डांस हो रहा होता है। गाइज अब देख सकते हो ये हरियाणवी डांस करता है एक बॉय। हमारे वैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट हरियाणवी कल्चर है, तो यहाँ पे सारे हरियाणवी डांस ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं, बट फिर भी यूनिवर्सिटी से तो बहुत ही कम यहाँ पे हरियाणवी डांस हो। यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉम्पिटिशन हो, सबसे पहले हरियाणवी डांस ही होता है। तो यहाँ पे जब हमारा टैलेंट होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों का क्लासिकल डांस था थोड़ा, और अच्छा डांस कर रहे थे सभी के सभी, देख सके आप देख सकते हो। यहाँ में ओरिजिनल साउंड तो डाल नहीं सकते थे बिकॉज यू नो अबाउट इट, कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड है विशु, वो डांस कर रहा था, उसका जो था वो डांस वो मैंने वर्नेक से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और आप देख सकते हो उसका डांस मतलब अब देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद बारी आती है प्रियंका के डांस करने की, तो प्रियंका का डांस भी मैं विदाउट म्यूजिक के डाला है, बट मैं आपको गाने का नाम बता देती हूँ। इसके गाने का नाम है, भूल गई, रुको वेट, सोच के बताती हूँ। तो मुझे याद आ गया, प्रियंका के सॉन्ग का नेम है मनमोहिनी, और दूसरा गाना था उसका आयोरे मारो ढोलना। फिर उसके बाद जब मेरे सॉन्ग की बारी आती है, तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग होता है महबूब मेरे, एंड सेकंड होता है मेरे ढोलना सुन, एंड थर्ड होता है छलिया। तो पहले तो मेरा क्लासिकल होता है, फिर उसमें बीच में थोड़ा सा एक साउंड डालती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेने के बाद अपना जो आउटफिट है वो चेंज करने जाती हूँ, और आउटफिट फटाफट से चेंज करके आने के बाद जो मेरा दूसरा डांस होता है वो है छलिया सॉन्ग, छलिया 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 रूह चुरल में हूँ ऐसे छलिया। तो ये जो सॉन्ग था ये मैंने इस पे डांस किया था, और यहीं से मेरी एंडिंग हो गई थी गाइस। और फिर हम सब मतलब थक गए थे, पसीने वसीने आ रहे थे, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है मोनो एक्टिंग वगैरह, तो अंशु ने उसमें भी किया था पार्टिसिपेट। तो इसका टॉपिक था रेप केस का, तो मतलब जो निर्भया का था मे भी, तो उसके बारे में इसने बताया था यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेनेशन किया और बहुत अच्छे से मोनो एक्टिंग की। मेरे तो गाइस रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को सुन के भी, और ये सब चीज़ें देख के। तो जब वो सुना रही थी तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सेकेंड जो है प्रिया, वो भी करती है इसी के ऊपर, उसका भी एक रेप टॉपिक ही होता है, उसके ऊपर करती है, छोटी सी बच्ची का जब रेप हुआ था, ये उस टाइम का है, और इसने भी बहुत अच्छे से किया था। दोनों ही एकदम परफेक्ट लग रहे थे करते, ऐसा लग रहा था कि हम आप उस चीज़ को रियल में देख रहे हो, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद जो है हमारे कॉलेज वालों ने बॉयज़ को सभी को एक सॉन्ग दे दिया था चलाने के लिए, कि आप जितना मर्जी डांस कर सकते हो उतना करो, तो हमने भी किया था, उन्होंने भी किया था। और फिर जब हम ग्राउंड में जाते डांस करने के लिए, तो तब तो गाना स्टॉप हो जाता है, और सर बोलते हैं बस अब बहुत हुआ, अब और ज़्यादा डांस नहीं कर सकते। फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन जब मैं पहले बच्चों को देख रही थी, वीडियो बना रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि हम क्यों नहीं गए डांस करने। बट हाँ थोड़ा सा तो हमने भी किया था एक जगह खड़े होने के बाद, क्योंकि भले स्टेज पर, लेकिन फिर भी ना गंद पाना एक अलग ही मजा होता है। और उसके बाद बारी आती है पोजीशन की, कि हमारी क्या क्या पोजीशन आई है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सारे प्रिंसिपल और स्टाफ इकट्ठा हो गए थे और हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो थर्ड पोजीशन पे आती है अंकिता, जो कि सेकंड ईयर की है प्रियंका के साथ की, और मैं थर्ड ईयर की हूँ, यानी कि प्रियंका की सीनियर हूँ मैं। उसके बाद सेकेंड पोजीशन आती है मेरी, मैं चल देती हूँ अपना सर्टिफिकेट लेने और प्राइज लेने। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है सेकंड पोजीशन की, बिकॉज प्रियंका का आता है फर्स्ट पोजीशन, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और पिछले साल तो वैसे मैं फर्स्ट थी, और इस बार ये फर्स्ट है, तो अब मेरी संतुष्टि हो चुकी है गाइस। तो गाइस टैलेंट शो का रिजल्ट आ चुका है, मेरा है सेकंड प्राइज और प्रियंका का है फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज है प्रियंका का, थोड़ी तसल्ली सी आ गई, क्योंकि पिछले ईयर तो मेरा फर्स्ट आया था, और मतलब इस बार प्रियंका का आ गया तो मजा आ गया, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जब फर्स्ट एंड सेकंड आई तो इससे ज्यादा खुशी की बात हो कह सकती है गाइस। गाइस बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, अब हम जा रहे हैं घर। तो चलो गाइस अब मेरे घर चलते हैं, सारे चले गए हैं, एनसीसी वाले बच्चे रह गए हैं बस यहाँ पे, और बस खत्म हो। और जब घर पर जाकर देखती हूँ तो यहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा होता है, वहां से थक आ रही होती हूँ, मन करता है कि यहाँ पे आराम से ले जाऊं, लेकिन खटर खटर की साउंड बहुत इरिटेट करता है। ये है हमारा छोटा सा पफ, प्यारा सा पफ, ठीक है देख सकते हो आप। अब जब हम आते हैं तो इसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, ये हमें करके ना हमें बताता है कि मतलब शिकायतें करता है कि तुम इतनी देर कहाँ थे, शायद शिकायतें करता है पफ। अब देखना आप, मैं इसके साथ बात करती हूँ। पफ बेटा कहाँ चले गए थे हम? हाँ बेटा कहाँ चले गए थे हम, तुमको याद आई थी बेटा हमारी? पफ हाँ ये बहुत प्यारे थे बच्चा। हाँ पफ क्या हुआ, कैसा लगा मेरा व्लॉग? आई होप ठीक ही लगा होगा, क्योंकि ये तो थोड़ा लाइक थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि फर्स्ट प्रियंका एंड सेकंड मी, और कैश प्राइज मिला था और एक सर्टिफिकेट मिला था हमें कैश प्राइज में। फर्स्ट को 600 मिले थे एंड सेकंड को 500 मिले थे, और पिछली बार तो वैसे तो 1000 मिले थे, बट पता नहीं इस बार थोड़ा
ऐसा कुछ कर दिया, चिल इट्स ओके नो प्रॉब्लम। गाइस तो आपको पता ही है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बाय गाइस।